Hey guys, hello everyone, Riya here, welcome back to our channel. So, aapki request ke upar, aaj ka video hone wala hai step cut ke upar. So, approx 3 mahino pehle maine layer cut kiya tha, but abhi layer cut kafi badh chuki hai aur layer jo hai gayab ho chuke hai aur is wajah se mere baal kafi patle lag rahe hain. तो ये है आफ्टर स्टेप कट क्लिप और इसके अंदर आप देख सकते हो स्टेप कट की वजह से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऐड हो चुका है हेयर के अंदर और इस हेयर कट के अंदर मैंने पांच स्टेप्स ऐड किए हैं, इस वजह से वॉल्यूम आया है और ये ऐसे अगर आप क्लचर लगाते हो तो बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई है हेयर कट और वीडियो देखने के लिए यू नो बने रहेगा. क्योंकि आप सब हमेशा मुझे पूछते हो कि आपके हेयर के ऊपर कौन सी हेयर कट अच्छी लगी, तो मैं आपको बता दूँ स्ट्रेट हेयर के साथ साथ अगर आपके हेयर वेवी है कर्ली है तो भी ये हेयर कट आप ट्राई कर सकते हो. अगर आपके बाल पतले हैं तो भी आप ये हेयर कट ट्राई कर सकते हो क्योंकि इससे हेयर के अंदर वॉल्यूम ऐड होता है. थिन हेयर में लेयर कट भी बहुत अच्छी लगती है और थिन हेयर में फेदर कट भी अच्छी लगेगी. और अगर आपके हेयर यू नो वेवी और कर्ली है तो आपके हेयर के अंदर डीप यू कट या फिर यू कट बहुत अच्छी लगेगी. तो ये थे आपके क्वेश्चंस के आंसर और आपने मुझे बहुत बारी रिक्वेस्ट किया है स्टेप कट के ऊपर वीडियो करने के लिए, तो इस वजह से ये वाला हेयर कट वीडियो मैंने आपके लिए लाया है. तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना. चैनल अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो करना इंस्टा और फेसबुक पे, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. हेयर कट के लिए हमेशा आपको ये इस टाइप की यू नो प्रोफेशनल सीजर ही यूज़ करनी चाहिए और इसकी लिंक मैं डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप खरीद सकते हो. और ये ऐसे कॉम चाहिए. हेयर कट कराने से पहले आपको आपके बाल अच्छी तरीके से वॉश करने हैं और गीले बालों में आप हेयर कट कीजिएगा ताकि हेयर कट करते समय कोई भी दिक्कत ना आए और ईजिली हो जाए. पूरे बाल अच्छी तरीके से कॉम कीजिएगा, उसके बाद में आपको आपके हेयर दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने हैं. मैंने ऑलरेडी कर दिया है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा अगर आप अकेले हो तो, बट अगर आपकी कोई फ्रेंड और मम्मी वगैरह है तो इजीली हो जाएगा. ये ऐसे आप देख सकते हो. जब भी आप खुद से हेयर कट कराते हो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, आप अच्छे से बाल कॉम कीजिएगा और सारे टैंगल्स रिमूव कीजिएगा. आप यहाँ पर देख सकते हो मैं बहुत ही स्मूथली यहाँ पर कॉम कर रही हूँ. तो स्टेप कट का सबसे पहला सेक्शन मैंने ले लिया है, तो आपको भी इसी तरीके से लेना है. मैंने कुछ ज़्यादा आपको डिटेल में डाला नहीं है, तो आप ये देखिए सेक्शन बना सकते हो. बस कानों के आगे सेक्शन होना चाहिए. इस सेक्शन को बोलते हैं ईयर टू ईयर सेक्शन, यानी कि एक कान से लेके आपको पूरा यू नो इक्वल सेक्शन लेना है दूसरे कान तक. और उसके बाद फ्रंट वाले हेयर अच्छे से कॉम कीजिएगा और फिर एक ट्विस्ट आपको देना है. यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, एक ट्विस्ट देना है और मैं आपको बाकी चीज़ें बताती हूँ बाद में. तो ये आप देख सकते हो मैंने कंघी की मदद से एक यहाँ पर यू नो ट्विस्ट लिया है और फिर आपको बाल अच्छे से कॉम करना है. यहाँ पे मैं एक से डेढ़ इंच का हेयर कट कर रही हूँ, बट आपको हमेशा एक इंच का ही हेयर कट करना है. अगर आप इसमें नए हो तो आप मेरे पहले के हेयर कट वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा. क्योंकि सेक्शन के अंदर मैंने एक ट्विस्ट डाला था तो उस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है यू, तो यहाँ पर आप रिवर्स यू देख सकते हो. जो सेंटर वाला सेक्शन है, सेंटर वाला जो बाल है वो छोटा है स्टेप. फिर उसके बाद अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट स्टेप है वो छोटा है, उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा, तो सबसे जो लास्ट वाला है वो बड़ा आपको स्टेप दिखने वाला है. तो ट्विस्ट डालने की वजह से ये हाल हुआ है. और अगर आप चाहते हो यू नो इसी टाइप के स्टेप्स चाहते हो तो आप हर एक सेक्शन में ट्विस्ट डाल सकते हो. हालांकि मैंने यहाँ पे बस फर्स्ट सेक्शन में ट्विस्ट डाला था क्योंकि मुझे आपको ये बताना था इस वजह से. तो ये डिफरेंस देख लीजिएगा, फर्स्ट सेक्शन मैंने ये ट्विस्ट देखे किया है, बाकी प्लेन सेक्शन मैंने किए हैं. तो स्टेप कट का यहाँ पे मैं सेकंड सेक्शन ले रही हूँ और सेकंड सेक्शन लेने के लिए जो कोम का कॉर्नर पॉइंट है उसे मैं यूज़ कर रही हूँ. आप भी ऐसे ही कीजिएगा और हर एक चीज़ आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा क्योंकि ये सब कुछ दिखने में आसान लगता है, बट आप जब आप करने जाते हो ना तब आपको एक्चुअल प्रॉब्लम्स आती है. तो ये वीडियो आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा और वीडियो फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड करते हो ना आपको बीच में की सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ ना बातें कर करके वो सब कुछ आप मिस कर दोगे. तो प्लीज़ आप एंड तक देखिए देखिएगा. और यहाँ पे फाइनली मैंने यू नो सेकंड सेक्शन ले लिया है और आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो सेकंड सेक्शन एक्चुअली ईयर टू ईयर सेक्शन है, बट ये कान के पीछे वाला सेक्शन है. तो फर्स्ट सेक्शन भी ईयर टू ईयर था बट वो कान के फ्रंट साइड में था. तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं और फ्रंट वाला सेक्शन अच्छे से कॉम कीजिएगा, स्मूथ यहाँ पे यू नो फिनिश आनी चाहिए. और पीछे वाला सेक्शन भी आप बैक कॉम कीजिएगा ताकि वो पीछे के बाल डिस्टर्ब ना करें हमें. फ्रंट वाला सेक्शन स्मूथली कॉम करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जो फर्स्ट सेक्शन हमने कट किया था वो आपको दिखेगा ये, तो वो आप गाइडलाइन बोल के समझ सकते हो. गाइडलाइन यानी कि आपको यू नो एक गाइडेंस मिलेगा ताकि वहाँ तक आपको बाल कट करने नहीं है, बस आपको एक इंच का हेयर कट करना है बस बॉटम वाला. ये आप देख सकते हो अभी ऑलरेडी मेरे लेयर कट थी तो इस वजह से मुझे ये आसान जा रहा है, बट अगर आपके लेवल कट है या फिर यू कट है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. तो इस वजह से आप मेरी पहली वाली जो हेयर कट वीडियोज़ है वो अच्छे से देख लीजिएगा, उन सबकी लिंक्स मैं डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और कैंची चलाते समय आपको सेक्शन यू नो छोटे छोटे स्ट्रोक्स में कैंची चलानी है, एक ही बार में कट मत कीजिएगा.
अगर आप हेयर कट के अंदर नेचुरल फिनिश चाहते हो तो आपको ये इस तरीके से चॉपिंग करनी है। एक बार स्ट्रेट कट देने के बाद आपको फिर से कैंची को थोड़ा सा क्रॉस होल्ड करना है और फिर ऐसी चॉपिंग देनी है। तो ये आप देख सकते हो, इससे क्या होगा, आपकी जो हेयर कट है वो नेचुरल फिनिश मिलेगी उससे। और यहाँ पे मैं क्यों हंस रही हूँ मुझे पता नहीं, और ये बस मैं जो छोटे छोटे बाल है उसे निकाल रही हूँ नीचे। तो ये अभी मैंने छोड़ दिया नीचे और मैं थक चुकी थी, और इस वजह से, क्योंकि जब आप अकेले होते हो ना तब आपको एक्चुअल प्रॉब्लम्स आती है। तो साथ में किसी को लीजिएगा, आप आपकी फ्रेंड बहन या फिर आपकी मम्मी, किसी की हेल्प लीजिएगा ताकि सेक्शंस बनाने में आसानी हो जाए। और यहाँ पे अच्छे से आपको बाल मिक्स करने हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए एक्चुअल आपका हेयर कट यू नो किस वे में जा रहा है। तो ये आप देख लो, तो अब आप देख सकते हो सेकेंड सेक्शन का क्या हाल हुआ है। और ये हमें यहाँ पे भी स्टेप्स मिले हैं, बट जो स्टेप्स हमें फर्स्ट यू नो फर्स्ट ट्विस्ट में मिले थे, फर्स्ट सेक्शन के टाइम में जो ट्विस्ट मैंने डाला था, उस वजह से वहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा यू नो छोटे से लेके बड़े तक सेक्शंस मिले थे। तो यहाँ पे आपको उतना नहीं मिलेगा, बट मुझे ये वाला आइडिया पसंद है। अगर आपको फर्स्ट सेक्शन जो मैंने कट किया था जिस तरीके से, अगर आपको वैसे अच्छा लग रहा है तो आप सारे सेक्शंस के अंदर एक एक ट्विस्ट डाल दीजिएगा और फिर आप हेयर कट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ प्लेन वैसे हेयर कट कर सकते हो। और ये पूरा कॉम करने के बाद आप देख लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको रिवर्स यू मिलेगा। दोनों के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपको 19-20 का डिफरेंस बस दिखेगा। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें करनी पड़ रही है क्योंकि सब कुछ मुझे आपको डिटेल में बताना है इस वजह से। तो फर्स्ट और सेकंड सेक्शन कैसे करना है मैंने आपको बताया है, बट थर्ड सेक्शन मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि अभी आप समझ चुके होंगे। और ये ऐसे आपको थर्ड सेक्शन लेना है, और सेक्शन लेने के बाद आपको सारे बाल फ्रंट साइड में अच्छे से कॉम कर लेने हैं। और यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोड डाला है, बट आपको धीरे धीरे पेशेंस के साथ सारे बाल स्मूथली कॉम करने हैं। आप देख सकते हो दोनों साइड में इवन मैंने कॉम किया है और बिल्कुल भी आपको टैंगल्स वगैरह नहीं दिख रहे। और फ्रंट साइड में आपको अभी यू नो कॉम करना है स्मूथली ताकि अच्छे से हेयर कट हो जाए हमारी। कॉम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पे बहुत सी जगहों पे मैंने कॉमिंग का जो क्लिप है वो डिलीट कर दिया है, यू नो ऐड नहीं किया है। और ये आप देख सकते हो गाइडलाइन पहले वाला जो कट हमने किया था। जब तक आप अच्छे से कॉम नहीं करोगे तब तक आपको अच्छी वाली हेयर कट नहीं मिलेगी। तो गाइज प्लीज़ कॉम 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 एंड देन कट ओनली। यहाँ पर मैं 1 से 1.5 इंच का हेयर कट कर रही हूँ, तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स के अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रेट कट दे रही हूँ, उसके बाद में हम चॉपिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने हाथ क्रॉस किया है क्योंकि मेरी आंखों के सामने फर्स्ट सेक्शन में के कुछ हेयर निकल के गिरे हैं, तो इस वजह से मैंने एक क्रॉस होल्ड किया है। बट आपको यू नो रेगुलर चॉपिंग करनी है ये ऐसे। तो चॉपिंग के बाद अभी ये सेक्शन मैं छोड़ दूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमें रिवर्स यू मिला है, और आपको लग रहा होगा ये तो हमने बस सामने के बाल कट किए हैं बट इससे स्टेप्स कैसे मिलेंगे। तो जब ये आप बाल पीछे की तरफ यू नो कॉम करोगे तब आपको एक्चुअल यू नो स्टेप्स दिखने वाले हैं, जो आपने ऑलरेडी देख लिया है वीडियो के स्टार्टिंग में। और स्टेप्स देने की वजह से यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मिला है हेयर के अंदर। आप ही मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा वॉल्यूम ऐड हुआ है या नहीं। और ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यू नो वॉल्यूम ज़्यादा ऐड हुआ है, क्योंकि बेसिकली मेरे जो बाल है वो पतले है, बट जो जिस स्टाइल से मैं हेयर कट करती हूँ उससे क्या लगता है, बस इल्यूजन क्रिएट होता है कि मेरे हेयर जो है बहुत ज़्यादा बाउंसी और यू नो थिक है। बट एक्चुअल में जब आप देखोगे मेरे हेयर उतने ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ही पतले है। और ये अभी कॉम करने के बाद आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको स्टेप्स मिलेंगे, छोटे से लेके बड़े तक स्टेप्स मिलेंगे। अभी मैं बोल बोल के काफ़ी थक चुकी हूँ यार। लास्ट सेक्शन है ये मेरा। अभी लास्ट सेक्शन के लिए हमें भी सारे बाल फ्रंट साइड में कॉम करने हैं, बट एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, मैं आपको बताती हूँ अभी वो क्या चीज़ है। बस आप सामने की तरफ कॉम कीजिएगा, स्मूथ कॉम कीजिएगा, उसके बाद ये सेंटर पार्टिंग हमें छोड़नी नहीं है। अब आपको असली दिक्कत होने वाली है क्योंकि अब सारे हेयर हमने सामने की तरफ लिए हैं। और यहाँ पे आपको एक और दिक्कत होने वाली है, जो भी फर्स्ट सेक्शन में हमने बाल कट किए थे छोटे थे, तो वो बाल आपके आँखों के सामने आने वाले हैं, उसे आप एडजस्ट कीजिएगा क्लिप लगा के वगैरह, क्योंकि मुझे लेंथ कट करनी नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं थोड़े हेयर कट कर रही हूँ। नेक मैंने इस वजह से क्रॉस किए ताकि जो फर्स्ट सेक्शन के बाल है वो मुझे आंखों के ऊपर डिस्टर्ब कर रहे थे, इस वजह से। स्ट्रेट कट देने के बाद मैं अभी चॉपिंग करूँगी। चॉपिंग के लिए आपको सीजर्स हमेशा क्रॉस होल्ड करनी है और फिर छोटे छोटे स्ट्रोक्स देके चॉपिंग करनी है। आप चाहे तो चॉपिंग को स्किप कर सकते हो, बस स्ट्रेट कट देके छोड़ दीजिएगा, चॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप चाहे तो कर भी सकते हो, वैसे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस कैंची क्रॉस होल्ड करनी होती है और फिर छोटे छोटे स्ट्रोक्स देके आपको एंड्स कट करने, लेंथ कट करने नहीं है, बस एंड्स कट करने हैं। तो हेयर कट के बाद आपको बाल अच्छे से ऐसे मिक्स करने हैं ताकि यू नो स्टेप्स एक दूसरे के अंदर इमर्स हो जाए।
अभी पूरी हेयर कट हो चुकी है और ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो बॉटम पोर्शन में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऐड हो चुका है और टॉप पोर्शन में तो ऑलरेडी हो चुका था। और अभी हम बाल फ्लिप करेंगे और मैं आपको अभी दिखाती हूँ हेयर कट। तो ये था आज का स्टेप कट का वीडियो और मेरे अकॉर्डिंग लेयर और स्टेप कट के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस हेयर कट करने का तरीका अलग होता है। और जब आप हेयर कट करते हो तो दोनों एक जैसे आपको लगते हैं, बट स्टेप कट के अंदर आपको ज़्यादा डीप लेयर्स नहीं मिलेंगी और हेयर कट के अंदर आपको एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारे लेयर्स मिलेंगी और हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी लेयर्स ऐड कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली पूछा जाए तो मुझे लेयर कट अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू स्टेप कट, बट स्टेप कट के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, बहुत सारे कॉमेंट्स थे, इस वजह से मैंने स्टेप कट का वीडियो आपके लिए बनाया है। और आपके ऐसे बहुत कॉमेंट्स मिले हैं कि मैं फेदर कट के ऊपर वीडियो करूँ, बट फेदर कट खुद के खुद करना या फिर घर पर करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाता है, तो मैं किसी और के ऊपर फेदर कट आपको दिखाऊँगी। आप कंपेयर कर सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। एक्चुअली बिफोर वाला जो है थोड़े से बाल वेट है, आफ्टर में थोड़े से बाल ड्राई है, बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पे इस क्लिप में आप देख सकते हो एक्चुअली हेयर ड्राई होने के बाद ये हेयर कट कुछ ऐसे दिखेगी और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है कि नहीं आप मुझे कमेंट करके बताना, हेयर कट आपको समझ में आए कि नहीं या फिर अच्छी लगी है या नहीं आप मुझे कमेंट करके बताना। और आप चाहे तो ये ऐसे क्लचर टक करके इस हेयर कट को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून बाय नेक्स्ट यूजफुल वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।